मांगों को लेकर के लगातार रखता है, लेकिन और जो है नहीं सुना। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किए हैं। देखिए एक बात समझिए, एक तो सरकार इतनी गूंगी और बहरी है और मुझको लगता है कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुहान अल्लाह, शेर पर सवा शेर। केंद्र की सरकार को हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड और देश को बांटने और नफरत पैदा करने के अलावे कोई काम इस कंट्री में एजुकेशन का ग्रोथ कैसे होगा? एजुकेशन भारत जो मूल आत्मा है उसका बजट ही घटा देना है, बेरोजगार की चिंता ही नहीं है। 100% एजुकेशन भारत के आम लोगों की जरूरत, कॉमन एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्री हम कैसे करेंगे, इसका ही कोई कॉन्सेप्ट इस हिंदुस्तान के लगभग किसी भी सरकार को नहीं है। स्टेट भी तो तय करे, बिहार की जो सरकार है 30-40 हजार मत करिए। दूसरी तरफ आप लॉ कॉलेज में 325 से सीट को आपने 120 कर दिया। तीसरी तरफ हमारी पार्टी की, हमारे नेताओं की मांग है जहां लगातार महिला कॉलेज के सामने एक्सीडेंट होता है, हमारी बच्चियां रोड क्रॉस में मारे जाते हैं। ये नेता और पदाधिकारी और यूनिवर्सिटी की बच्चियां तो होती नहीं है, ये मिडिल क्लास और कॉमन क्लास की बच्चियां होती है जो बाहर से आकर के किसी तरह यहां अपने क्वालिटी के आधार पर वो एडमिशन लेती है, उसकी जिंदगी जाती है। वहां ओवर ब्रिज का डिमांड है, लगातार ये डिमांड हमारे यहाँ चल रहा है। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे, विपक्ष तो छोड़ दीजिए कोई मतलब नहीं, दोनों आदमी खुश है, आधा हम बर्बाद किए आधा तुम कर दिए, नीपा पोती कर दिए, गोबर से अंगना को नीप पांच के बराबर कर दिए। अब यहाँ कोई क्वालिटी और क्वांटिटी वाले स्टूडेंट का निर्माण होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जन अधिकार छात्र परिषद और भी राजनीतिक ऐसे छात्र नेता लीडर जिसके भीतर में कुछ कसक है, हमारे लीडर को सपोर्ट किया और जिसके भीतर है कि पटना यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप था वो स्वरूप स्टेटस करे या उसकी भूमिका और बढ़ाओ, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। कल पूरे बिहार में धरना है 24 तारीख और उसके बाद गवर्नर हाउस मार्च करेंगे। इस बीच में हमने शिक्षा मंत्री से समय मांगा है, हम छात्र लीडर के द्वारा मिलेंगे। हम चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को या छात्र की इच्छा है कि नहीं मरने दिया जाए। ये लोग कंटिन्यू हारे हुए हैं निर्णय पर। इन लोगों से डीन ने भी वीसी भी बातचीत किया है, इन लोगों को कहा गया है वीसी के द्वारा हम आपकी बात, हमको कुछ समय दीजिए मैं पहुंचा देता हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार पटना यूनिवर्सिटी के स्टेटस को यथावत रखेंगे, पटना यूनिवर्सिटी के क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कोई समझौता ना करें, इनको रद्दी के टोकरी में ना फेंके। लड़ाई पटना यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए जारी रहेगा और जो तीन मांग अभी लगातार चल रहा है उसमें और भी चीजें ऐड होगी। लेकिन मेरा आग्रह है, जात क्या आपको छोड़ दिया जाएगा? आपको ऐसा लगता है कि आप तिस्मार खान है? आप यहां सारे बच्चे हमारे 10 से 12 बच्चे भूख हड़ताल पर हॉस्पिटलाइज हो गए, कल डेथ कर जाता, रात भर पानी चली है,
सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं दी गई, पुलिस टॉर्चर कर रहे हैं। और यहाँ के शिक्षा मंत्री जी, उनकी क्वालिटी है कि वो सुबह शाम दोपहर तीन बार मुख्यमंत्री जी को जब तक वो चेहरा नहीं दिखाएंगे, उनकी क्वालिटी किस बेसिस पर ऐसे लोग बिहार में शिक्षा मंत्री का चयन होता है, जैसे भारत सरकार में शिक्षा मंत्री बन गए आज जो शिक्षा मंत्री है, इसके पहले जो शिक्षा मंत्री अटल जी के समय, कांग्रेस के समय शिक्षा मंत्री होते थे, अब तो शिक्षा मंत्री का कोई मापदंड ही नहीं। पप्पू जी, जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया तो एक बच्ची बोलती है कि डीन से हम मिलने गए थे, डीन जो कहते हैं कि कोरोना के समय में मैं नहीं मिल पाऊंगा। सर, मैंने कहा कि इन नेता पदाधिकारी को सब जिस पटना यूनिवर्सिटी से दुनिया के निर्माण करने वाले लोग निकले हैं, आज पटना यूनिवर्सिटी में ऐसे वीसी, ऐसे एग्जामिनेशन कंट्रोलर या ऐसे पदाधिकारी का चयन होता है जो जाति विशेष, धर्म मजहब विशेष, पार्टी पर आधारित पदाधिकारी का चयन हो जाता है। एक कई पदों पर एक ही जाति, वो भी प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट, आप क्या पढ़ाएंगे जब जाति के चयन कर करके आप हिस्सी लाएंगे। क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ समझौता कर लिया गया, पहले कोई समझौता नहीं होती थी क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ पटना यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ भूस्कुल विद्यार्थी गत्ता मोड़, कहा 18,000, कहा 25,000 आपने फीस कर दिया, 1800 और 25,000। अब आप सोचिए आसमान पताल का फर्क है। हमारे जननायक छात्र नेता यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, जो कभी चयनित अध्यक्ष का एक वजन था, वे था, अब तीन दिनों से मरने छोड़ दिए। या हम दुनिया में हम बड़ी बड़ी बात करते थे, विश्व का गुरु केंद्र हुआ करता था, और आज हम सुनते हैं हेल्थ से भी ज्यादा नीचे एजुकेशन हो गया। टेक्निकल कॉलेज जितना है वहां पर 30%, 20%, 18% भी प्रोफेसर नहीं है। एक कॉलेज में एक प्रोफेसर, एक बीएड कॉलेज में एक प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर। अब बिहार को इस कदर आप बना दिए, एक तरफ आप प्राइवेट बीएड कॉलेज को आपने मनमानी 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख से ऊपर जब मन जो आए आप उसको फ्री कर दिए कि आप चूस लूटते रहो, और दूसरी तरफ जो बिहार का खास तौर पर पटना यूनिवर्सिटी जो दुनिया के मानक पर कभी हमें अंकित करता था, हमें अट्रैक्शन करता था, आज वो सुन पे हो गया। नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए थे, जोरप नहीं समझे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।